नमस्कार इकोनॉमी का हिसाब किताब में आज हम हिसाब लगाएंगे पीएमसी बैंक के किताब यानी बुक्स का किस तरीके से छोटे बचत करने वालों का पैसा लेकर एक बड़े कंपनी को फायदा पहुंचाया गया था उसका पोल खोलेंगे देखते हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब अभी तक तो आप जान ही गए होंगे किस तरीके से पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी कि पीएमसी बैंक का आरबीआई ने धंधा बंद कर दिया है छः महीने के लिए ताला लगा दिया है और डिपॉजिटर्स को पहले कहा गया था कि आप इस छः महीने में सिर्फ एक हजार रुपये निकाल सकते हैं उसके बाद डिपॉजिटर्स पहुंच गए आरबीआई ऑफिस के सामने मीडिया ने भी कवरेज किया तो आर ने थोड़ी सी दरिया दिखाकर दस कर दिया है अब उससे क्या होगा आप देखिए कि पूरे जिंदगी की जमा पूंजी लोग ऐसे बैंकों में रखते हैं और ये इसलिए रखते हैं ताकि वो पैसा जब जरूरत पड़े निकाल सके चाहे वो घर की मरम्मत हो चाहे मेडिकल कारण से हो चाहे बच्चों की फीस देने की बात हो चाहे घर में शादी हो लोग जब बैंक में पैसा रखते हैं वो इसलिए रखते हैं ताकि जब जरूरत पड़े वो निकाल सके तो आप सोच लीजिए पैसा जमा है बैंक में लेकिन आप सिर्फ दस हजार निकाल सकते हैं और वो भी ऐसे बैंक से जहां पर आपको डर है कि आपकी जमा पूंजी कभी भी वापस नहीं आएगी लेकिन इस बात को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि बैंक का धंधा होता क्या है और साथ में एक और चीज समझना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है बैंक क्या करता है हम लोगों से डिपॉजिट लेता है और उस पर ब्याज देता है अब हमारे लिए वो संपत्ति है जिसपे हमें ब्याज मिल रहा है बैंक के खाते में ये उनका ऋण है ये इनका लाइबिलिटी है क्यों क्योंकि उसको वापस देना है और साथ में उस पर ब्याज भी देना है हम जब लोन लेते हैं या बैंक से कोई भी लोन लेता है तो उनके लिए वो ऋण हो जाता है उनको वो वापस देना है उस पर इंटरेस्ट पे करना है ब्याज पे करना है बैंक के लिए वही उनकी संपत्ति है यानी कि एसेट है तो जो लोन देते हैं वो उनका एसेट है उन पर वो उनको ब्याज मिलता है लोन जो देते हैं बैंक उस पर ज़्यादा ब्याज लेते हैं 10, 12, 14 परसेंट लेते हैं और जो डिपॉजिट लेते हैं उस पर कितना देते हैं करंट अकाउंट पर ज़ीरो देते हैं सेविंग्स अकाउंट पर साढ़े तीन चार परसेंट देते हैं और जो टर्म डिपॉजिट होता है यानी कि फिक्स डिपॉजिट होता है वहां पे छः साढ़े छः साढ़े सात आठ परसेंट वापस देते हैं तो आप ये जो गैप देख लीजिए जो लोन दिया है उस पर जो ब्याज आए है और जो डिपॉजिट लिया है उस पर जो ब्याज दे रहे हैं इस गैप से बैंक पैसा बनाते हैं यही उनका मुनाफा है यही बैंकों का धंधा है हाँ साथ में फ़ी इनकम भी होता है जैसे वो ड्राफ्ट बना के देते हैं आपको ए देते हैं उस पर कुछ फी लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो उस पर कुछ फी लेते हैं ये फी इनकम जो सारा होता है ये भी बैंक के धंधे का एक पार्ट होता है दो नंबर इसमें याद रखिएगा ये जो पीएमसी बैंक है इसमें लगभग नौ लाख डिपॉजिटर्स हैं और इन्होंने लगभग ग्यारह करोड़ रुपए इसमें डिपॉजिट कर रखे हैं साथ में पीएमसी बैंक ने लगभग आठ हजार करोड़ रुपए लोन दे रखा है पीएमसी बैंक कहती है कि उनका हर साल लगातार प्रॉफिट हो रहा है इस साल भी लगभग निन्यानवे करोड़ रुपए उनका प्रॉफिट हुआ है बैंक का एक और चीज याद रखिए जिसको कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझना क्योंकि आरबीआई कहती है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम से कम 9 परसेंट होना चाहिए क्या होता है इसका मतलब है कि जब बैंक चालू किया जा रहा है जब बैंक बिठाया जा रहा है तब जो पूंजी लगाई गई थी ये डिपॉजिट नहीं है याद रखिए डिपॉजिट जो लिया जाता है वो वापस करना पड़ता है जो पूंजी है बैंक के पास हर नौ रुपए पे सौ रुपए बैंक लोन दे सकती है ये आरबीआई का मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिक्वायरमेंट होता है नौ प्रतिशत अब आप पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का स्टेटेड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखिए मतलब जितना उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था उनका बारह परसेंट से ज्यादा है तो बाहर से आपको लगेगा कि वाह ये बहुत बढ़िया बैंक है इसका तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा है कि बारह कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है जहां पे आरबीआई को सिर्फ नौ परसेंट का रिक्वायरमेंट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की जरूरत क्यों होती है ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं अगर बैंक के लोन पर लॉस हो गया डिपॉजिटर्स को कैपिटल से पैसा मिल सके इसलिए ये डिपॉजिटर्स के प्रोटेक्शन के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है अब बात आती है कोऑपरेटिव बैंक की कोऑपरेटिव बैंक की जरूरत क्या है जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जिसको हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया एस हो गया कनेरा बैंक हो गया एच बैंक होता है ऐसे जगह पे जाकर अकाउंट खोलते हैं। लेकिन आप सोचिए जो मजदूर है जो खेती करता है या जो आपके घर में काम करता हो या आपका ड्राइवर हो क्या होता है जब वो ऐसे बैंक में ब्रांच में जाता है मैनेजर क्या कहते हैं बोलते हैं कि आप किसी की चिट्ठी लेकर आओ जो यहां का अकाउंट होल्डर है बहुत बार होता है कि आप साथ जाते हैं उनका अकाउंट खोलने के लिए वो खुद जाकर ऐसा अकाउंट खोल नहीं पाते कोऑपरेटिव बैंक इसीलिए तैयार किया गया था हिंदी में इसको सहयोगी बैंक कहा जाता है बहुत सारे लोग मिलकर एक बैंक में पूंजी डालते हैं और उससे बैंक खोलते हैं ज्यादातर ये गांव में होते हैं जहां पे किसान छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक बनाकर एक दूसरे को लोन देते हैं लेकिन सिर्फ गांव में नहीं शहरों में भी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं और आरबीआई मानती है कि ऐसे कोऑपरेटिव बैंक जो अनबैंक्ड लोग हैं कैसे लोग जो बड़े बैंक में अकाउंट खोल नहीं सकते क्षमता नहीं है खोलने की जाने से डरते हैं या उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं जिससे बड़े बैंक उनके अकाउंट खोल दे वो जाकर कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट खोलते हैं वहां पर पैसा भी जमा करते हैं ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक खोले गए हैं गरीबों के लिए वो साथ आकर सहयोग करके ऐसे बैंक खोलते हैं और साथ में वहां पर डिपॉजिट करते हैं आप अगर पीएमसी बैंक के दे दीजिए वहां पर लगभग इक्यावन हजार मेंबर है उस बैंक के लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है सारे जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है वहां पर नेताओं का दखल बढ़ गया है इसका एक बड़ा कारण यह है कि ये बैंक आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं ज्यादातर ऐसे बैंक स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आते हैं सिर्फ बड़े जो कोऑपरेटिव बैंक है उन्हीं को आरबीआई रेगुलरली ऑडिट करती है उनका जांच करती है वैसे एक चीज याद रखिएगा कि पीएमसी बैंक एक बड़ा कोऑपरेटिव बैंक है इसके 130 से ज्यादा ब्रांचेस हैं 100 महाराष्ट्र में हैं तो इसकी जांच आरबीआई रेगुलरली करती रही है तो बैंक के धंधे की बात हम कर रहे थे बड़े बैंक और छोटे बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में फर्क क्या है बड़े बैंकों का जो लोन होता है वो करोड़ों में जाता है और छोटे या कोऑपरेटिव बैंक का लोन साइज बहुत कम होता है जैसे अगर हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक देखें तो ज्यादातर औसत लोन उनका साइज होता है पांच लाख से कम आधे से ज्यादा ऐसा है एक चौथाई से थोड़ा ज्यादा होता है पांच से दस लाख के बीच में एक करोड़ से ज्यादा जो लोन होता है वो सिर्फ एक परसेंट है अब आप देखिए पीएमसी बैंक का 8000 करोड़ से ज्यादा लोन बुक है यानी कि इस वक्त 8000 करोड़ रुपए का लोन उन्होंने दे रखा है उसमें से लगभग 6000 करोड़ का लोन सिर्फ एक कंपनी को है एच एक कंपनी को तीन चौथाई लोन बुक का दे रखा है पीएमसी बैंक ने अब आप देखिए कि एच एक रियल एस्टेट कंपनी है जो बिल्कुल डूब गया है और वो पैसा जो लोन उन्होंने लिया है ये पीएमसी बैंक को वापस नहीं मिलने वाला है ये अब की बात नहीं है पीएमसी बैंक को ये बहुत दिनों से पता है और उन्होंने इस बात को छुपाने के लिए फेक यानी कि झूठी कंपनियां बनाकर उसके बुक्स में लोन को बांट दिया है ताकि आरबीआई जब जांच करे उनको पता ना चले कि एक ही कंपनी को इतना सारा लोन दिया गया है जो कि आरबीआई के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है एच जिस कंपनी को पीएमसी बैंक ने लगभग 6000 करोड़ का लोन दिया हुआ है पीएमसी के जो चेयरमैन है एस वारियम सिंह वो एच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे और एच के शेयर होल्डर थे लगभग दो परसेंट शेयर उनका था एच में और इसी कंपनी को छह हजार करोड़ रुपए का लोन दिया गया था पीएमसी बैंक के द्वारा तो क्या इनके तार जुड़े हुए हैं ये तो आर को निकालना पड़ेगा लेकिन इतना तो सही है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पास पैसे नहीं हैं और एच के पास छ हजार करोड़ हैं तो आप सोचिए कि जो छोटे डिपॉजिटर हैं उनका पैसा लेकर एक बड़े कंपनी को पैसा दिया गया है जिस बड़े कंपनी के तार इस बैंक से जुड़े हुए हैं और इसमें कुछ राजनीतिक तार भी जरूर निकलेंगे सवाल यह है कि इतने दिनों से आरबीआई कर क्या रही थी और आरबीआई ने जब एक्शन भी लिया तो कुछ ना कहकर डिपॉजिटर्स को कहा कि आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया धीरे धीरे मीडिया में आने के बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन इस वक्त हमारे डिपॉजिटर्स को मिल रहे हैं ये पहला कोऑपरेटिव बैंक नहीं है जिसमें इस तरीके की धांधली पाई गई है बार बार कॉपरेटिव बैंक में धांधली पाई जाती है और जब वो पाई जाती है तो कॉपरेटिव बैंक बंद हो जाता है आप देखिए कि एक कोऑपरेटिव बैंक 2002 में फेल हुआ था आज भी डिपॉजिटर्स को फाइनल पेमेंट उसका मिल रहा है इतने सालों बाद 2015 में आरबीआई ने कहा था कि वो कॉपरेटिव बैंक्स पर अपनी अधिकार क्षेत्र बढ़ाएगी जांच ज्यादा करेगी लेकिन उस पर सारे जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, उन्होंने कहा नहीं ये सही नहीं है नहीं होना चाहिए सरकार करे स्टेट गवर्नमेंट करे आरबीआई को नहीं करना चाहिए क्या डर था उनको क्या ऐसे सारे कोऑपरेटिव बैंक में हो रहा है क्या ये सारा निकल कर आएगा एक तरीके से अगले कुछ महीनों में एक बार बात करते हैं कि पीएमसी बैंक में कितना डिपॉजिट लोगों का फंसा हुआ है लगभग ग्यारह हजार करोड़ का डिपॉजिट पीएमसी बैंक में हुआ था और नौ दशमलव एक लाख लोगों का डिपॉजिट वहां पर है औसतन अगर आप देखें, एक लाख अट्ठाईस हजार रुपए का डिपॉजिट हर डिपॉजिटर का पीएमसी बैंक में था आप कहेंगे कि सारा का सारा पैसा तो अगले छह महीने में निकलने नहीं वाला था क्योंकि बहुत सारा टर्म डिपॉजिट होता है यानी कि फिक्स डिपॉजिट होता है बिल्कुल सही कहा आपने 9200 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट पीएमसी बैंक में था आप सोच लीजिए कि 10 परसेंट उसका मच्योर होने वाला था तो इसका मतलब 920 करोड़ रुपए निकाला जा सकता था अगले छह महीनों में उसके साथ आप जोड़ लीजिए जो सेविंग्स अकाउंट में था और करंट अकाउंट में था ये तो वैसे भी किसी वक्त भी निकाला जा सकता है टोटल लगभग तीन हजार दो सौ करोड़ रुपए का बैठता है जो टर्म डिपॉजिट मेच्योर होना सेविंग्स अकाउंट में रहना और जो करंट अकाउंट में है इसको अगर मैं नौ लाख ,00 से भाग कर दूं तो कितना निकलता है हर एक अकाउंट में लगभग पैंतीस हजार रुपए जो निकाला जा सकता था अगले छह महीने में लेकिन उसके जगह कितना निकाल पा रहे हैं वो सिर्फ दस हजार रुपए निकाल पाएंगे और उनको डर रहेगा कि ये पूरा बैंक फेल हो सकता है उनकी पूरी जमा पूंजी डूब सकती है आरबीआई ने क्यों इसका ध्यान नहीं दिया आरबीआई ने क्यों नहीं जांच किया ऐसे कंपनी का जब वो जानती थी कि इसका एक्सपोजर एच को इतना सादा है और वो जानती थी कि एच एक डूबने वाली कंपनी है तो ये एक तरीके का बैंक लूट है गरीबों का पैसा अमीरों को देने का सिस्टम बना हुआ है ऐसे कोऑपरेटिव बैंकों में इसको आरबीआई को रोकना पड़ेगा और अगर वो रोक नहीं सकती है तो ऐसे गरीब डिपॉजिटर्स को उनको बताना पड़ेगा कि आप ऐसे बैंक में अपना पैसा जमा मत कीजिए एम बैंक की कहानी में और भी चक्कर आ सकते हैं चौका देने वाले चक्कर आ सकते हैं और इकोनॉमी का हिसाब किताब में हम इसको लगातार कवर करते रहेंगे आज के लिए इतना ही देखते रहिए इकोनॉमी का हिसाब किताब